कौन सा चल रहा है? बायो मॉलिक्यूल राइट। अपना बायो मॉलिक्यूल में क्या क्या स्ट्रक्चर हो गया? ग्लूकोज का हो गया, पेप्टाइड का हो गया राइट। ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज। चलो उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट। आई थिंक डाइसेक्राइड सर। डायसेक्राइड है ना। अभी देखो डायसेक्राइड होता क्या है? यू नो द डायसेक्राइड द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म टू यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स नोन एज डायसेक्राइड विद अ टाइप ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स। क्लियर ना? इसमें एग्जांपल आप लेते हो ग्लूकोज सॉरी सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज। क्लियर? तो चलिए इसका पहले डेफिनेशन लिखिए। डायसेक्राइड्स का डायसेक्राइड्स राइट द कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो लिखिए द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स टू यूनिट्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स नोन एज डायसेक्राइड्स। हो गया। अब इसके बाद बना डायसेक्राइड के स्ट्रक्चर में ड्रा करो। तो डायसेक्राइड यू नो दे आर मैट्रिसेस गिविंग द वर टू यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो डायसेक्राइड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? देखो तो टाइम निकाल इक्वल दो यूनिट मोनोसेक्राइड्स की देंगे। अब इसमें एग्जांपल है, आप लिख दो एग्जाम्पल सुक्रोज, सेकेंड एग्जाम्पल माल्टोज और थर्ड क्या बेटा लैक्टोज। तीनों का फॉर्मूला सेम इक्वल H22O जिसमें सुक्रोज यू नो ऑन हाइड्रोलिसिस गिविंग सुक्रोज अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको मिलता है बेटा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, और लैक्टोज का करते हो तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और वही अगर आप लेते हो बेटा माल्टोस
माल्टोज लेते हो तो इट विल बी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब टू यूनिट ऑफ ग्लूकोज देगा यहाँ. अब सुक्रोज हाइड्रोलिसिस होता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेटा. जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो होता क्या है, जो मोनोसेकेराइड्स दे आर ज्वाइन टुगेदर बाय द व्हाट, ईथर ऑक्सीजन बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन बॉन्ड के थ्रू दोनों अटैच होते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज व्हाट, लाइपोसाइडिक बॉन्ड. क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेशन भी कोई पूछता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ठीक है, इतना लिख लो, फिर इसका डेफिनेशन लिखा दो. Thank you.
अब क्या लिखना है आपको ग्लाइकोसाइडिक देखो होता है क्या बेटा जब आप ग्लूकोज या फ्रुक्टोज दोनों का किसी का भी स्ट्रक्चर देखोगे तो एनोमेरिक कार्बन के एक कार्बन टी के ऊपर एच होता है एजिटेट क्या होता है होता है जब भी दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन करते हैं जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का ज्वाइन तो ग्लूकोज का एक कार्बन का OH फ्रुक्टोज के कार्बन का OH दोनों से क्या निकलता है बेटा बॉन्ड दोनों को किस तरह से वाटर की वाटर ऐड कर दो प्रोडक्ट बनते हैं दोनों मिक्स कर क्या होगा वर्टिकल प्रोसेस तो दोनों में से ऑर्डर निकालते हैं तो बचता देखो क्या हुआ ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के थ्रू ग्लूकोज यूनिट और फ्रुक्टोज यूनिट मतलब ज्वाइन हुआ ये इसी लिंकेज को क्या बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक क्या बोल सकते हो In which one unit of units and two units are the monosaccharides are joined together by the oxygen divalent oxygen bond known as glycosidic bond or glycosidic linkage. The linkage in which two monosaccharides are joined together by clear are joined together by divalent oxygen atom bracket mein likh sakte hain isko
ईथर ऑक्साइड लिंकेज, क्या बोलते हैं इसको, ईथर ऑक्साइड लिंकेज ब्रैकेट में, अच्छा इधर ही कंटिन्यू ब्रैकेट में सब लिखे हो ना, इधर ही कंटिन्यू ऐसा कैसा लगते ओ डैश है ना, नोन एज, नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अब इसमें हम एक एक एग्जांपल करेंगे, तो फर्स्ट एग्जांपल लीजिए सुक्रोज, सुक्रोज अब देखिए हमें इसमें सुक्रोज कैसा पढ़ना है, सुक्रोज का पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए, सुक्रोज का के बाद जिसका हाइड्रोलिसिस आपको मालूम है उसका हाइड्रोलिसिस आना चाहिए, फिर ये डेक्सट्रोज है कि डेक्सट्रोज है उसको क्या बोलेंगे, फिर सुक्रोज हाइड्रोलिसिस होकर ग्लूकोज देता है, फ्रुक्टोज देता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, है ना, ये सारे प्रोसेस के नाम हम एमसीक्यूज में बहुत सारे यूज करते हैं, तो आना चाहिए, और उसके बाद मेजर पार्ट इसका जो है कि सब्जेक्ट में ज्यादातर क्वेश्चन आता है draw the structure of the word sucrose, clear, but उसके पहले few one mark के questions या few MCQs के question, वहां से क्या क्या पूछ सकते हैं उसको एक बार आप बुक में देख लो, बेटर होगा वहां पे ही मार्क कर दो, देखो क्या लिखा है, सुक्रोज आपको हेडिंग मिला, क्या लिखा है देखो, सुक्रोज इज वॉट जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा इनवर्टेज, उस कैटलिस्ट को इनवर्टेज बोलते हैं एंजाइम, है ना, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा क्या देता है आपको डी प्लस ग्लूकोज और डी माइनस ग्लूकोज, मतलब आपको कितना बेटा and the product is called as invert sugar, kya bolte hai isko sugar structure, iske baad hum structure clear, to ab isme at least kya kya likh sakte ho aap, important process likh sakte ho, sucrose ka hydrolysis likh sakte ho aur conversion kisko bolte hain clear, aur invert sugar kisko bolte hain clear, dextrose jo hai wo sab already hua hai book mein mark kar do isko, sucrose on hydrolysis, on hydrolysis gives sucrose on hydrolysis gives mixture of
1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज है ना, 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज ठीक। अब वो रिएक्शन लिख लीजिए, C12H22O11+H2O gives out C6H12O6 बट अब इसके नीचे आप क्या लिखोगे, सुक्रोज, इसके नीचे क्या लिखोगे, ग्लूकोज, इसके नीचे क्या लिखोगे, और यहाँ पे इनवर्टेस जो हम एंजाइम यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इनवर्टेस। रिएक्शन आपकी बुक में दिया क्या होगा देख लो, अब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज नोन एज, नेक्स्ट टाइम से हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज नोन एज इनवर्जन, इनवर्जन ऑफ सुक्रोज and the product is called as, and the product is called as invert sugar thus next slide will be called structure of sugar, मतलब सुक्रोज, ब्रैकेट में लिख सकते हो सुक्रोज, किसका स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रहे हैं, सुक्रोज में देखिए क्या क्या होता है, आपको एक मिलता है ग्लूकोज और दूसरा क्या मिलता है सुक्रोज, और आपको मालूम है बेटा ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों में भी दो एनोमर होते हैं, दो उसके एक अल्फा एनोमर होता है, उसमें देखना होता है कि अल्फा वाला है, तो देखिए इसमें होता क्या बेटा, इन सुक्रोज C1 of 1 unit of alpha D+ glucopyranose linked to another unit of beta, ये आपको याद रखना पड़ता है, बीटा टी माइनस फ्रुक्टो प्यूरन ओके बाय ग्लाइको साइडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक तो कौन सा यूनिट के जवाब, ग्लूकोपाइरानोज, वो भी कौन सा, अल्फा, देख लो आपने अल्फा लिया, दिस इज द पोजिशन, अब ये ड्रॉ मत करना, पहले पोजिशन सब देख लो आप, ये आपका नंबरिंग क्या, तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर, अल्फा वाला ले रहे हैं, अल्फा में ओ एच क्या होता है नीचे, एच इधर भी आप चेक करते जाओ, एच ओ एच देख लो आप, ओ एच 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 ओ एच
अभी तभी आपको अच्छे से करना स्ट्रक्चर आपको याद रहे है ना। और इसके बाद क्या ये दूसरा यूनिट कौन सा यूनिट बोलू ट्रिप्टोन्स। इसमें क्या ले रहे हैं हम ओए बीटा और अल्फा ले रहे हैं। ये भी आप करते करते हमको याद ही आएगा कि हम बीटा क्योंकि अल्फा लोगे किसका भी होगा तो बीटा ले जाएगा ओ एच इधर होगा ओ एच एस एस ओ एच ओ एच CH2OH ना एक बार बराबर है CH2OH ऊपर ना CH2OH इधर H नंबरिंग कर लो ये आपका फर्स्ट कार्बन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब देखो पहले से ही आपको ये तो मैंने ड्रॉप किया बट आपको ना ये दोनों वाले दिखाना नहीं है। क्या बोल रहा है सी वन पोजिशन इसका ग्लूकोज का सी टू इसका अनदर यूनिट और लिंक टू सी टू ऑफ अनदर यूनिट ऑफ बीटा। तो सी टू पोजिशन का जो ओएच है और C1 पोजीशन का OH है दोनों में क्या निकलेगा वाटर को होगा तो बच्चे का मन क्या रहेगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऐसा लिख के सिखाना है थोड़ा मैं और राइट में पास स्ट्रेट लाइन आता है ना समझे। अब यहाँ पे आप बता सकते हो दिस इज लाइकोसाइक्लिक बॉन्ड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इतना लिख दोगे चलेगा बाकी बहुत क्लास फाइनेंस करेंगे ठीक। तो आपने ग्लूको पाइरानोज लिया और दूसरा फ्रुक्टोप्यूरानोज नंबर आपको याद रहना चाहिए इसका सी वन और इसका सी टू सिंस दोनों के एरोमेरिक कार्बन यूज हो रहे हैं ना ये दोनों के एरोमेरिक कार्बन सी टू का फ्रुक्टोज में सी टू इज एरोमेरिक कार्बन और उधर सी वन इज एरोमेरिक कार्बन मतलब एक एडियाटिक ग्रुप और इसका एक टोनिक ग्रुप ग्लूकोज में कीटोनिक ग्रुप होता है सेकंड ग्रुप और ग्लूकोज में फर्स्ट होता है एडियाटिक ग्रुप पहले एडियाटिक ग्रुप कीटोनिक ग्रुप दोनों फ्री हो जाएंगे निकल जाएंगे है ना आए नहीं यहाँ पे बोथ आर यूटिलाइज टू फॉर्मेशन ऑफ लाइपोसाइडिक बॉन्ड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द नॉन रिड्यूसिबल। क्या बोलते हैं इसका आपको मैंने एग्जाम्पल लिखाया था रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में मैंने यही एक एग्जाम्पल लिखा होगा और आपके देखो क्लासिफिकेशन में रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर अलग से लिखवाया था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बाद एक पहले शुगर नॉन शुगर लिखवाया होगा फिर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। देखो नॉन रिड्यूसिंग में आपको सुक्रोज ही लिखवाया होगा समझा ना। देखो यहाँ पे बुक में टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 305 पे क्योंकि बाकी के स्ट्रक्चर में ना इसका सी टू नहीं अगर लेंगे तो हम एक का सी वन लेते हैं और एक का सी फोर पोजिशन हमेशा याद रखे ओनली सुक्रोज ऐसा जिसमें सी वन एक का दूसरा सी टू लेते हैं समझा हमको। तो यहाँ पे दोनों एनोमेरिक कार्बन यूज हो रहे हैं मतलब एक का एडिटिव दूसरे का यूज हो रहा है कहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लाइपोसाइडिक बॉन्ड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इज व्हाट फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर लिखने के बाद नॉन रिड्यूसिंग शुगर वाला रीजन लिख देना यहाँ से नीचे ठीक है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है।
एक का अल्फा ले रहे हैं और एक का बीटा ले रहे हैं। देखो टेक्सटबुक में नीचे ड्रॉ लिखा होगा, राइट साइड में जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है सपोज कर सबसे ऊपर देखो पेज नंबर 305 पे क्या लिखा है, अल्फा बीटा। अल्फा किसका है? ग्लूकोज। बीटा किसका है? ग्लूकोज। अल्फा बीटा डिवाइड करते 1 2 लिखा है, तो एक का C1 एक का C2 ग्लाइकोसाइडिक एसिड। ऐसा ऐसे हमने लिखा है ना, नीचे ग्लूकोज लिखना और उसके ब्रैकेट में स्ट्रक्चर बता देना क्या है, अल्फा बीटा जो भी है 1 2 4 साइडिक। बुक में लेफ्ट राइट करके स्ट्रक्चर दिया, लेफ्ट राइट का नहीं ड्रॉ करना, जो अप डाउन करके स्ट्रक्चर दिया है ना वो करना है। तो लिखे हो गया तुम लोग का भाई? वेट हाँ बेटा, बच्चा पार्टी वेट।
So sugar completed. Sugar was completed. So here our second. What is this? No, I got a cure. It's a pain figure. It's a damn thing. I see you look like a wet thing. उधर जब बैठे हम कभी पढ़ो को माल्टोस से सबसे पहले बेटा पहले आप समझ लो You know, student, starch is also starch. Hey, Marka, look at that. What's a good morning? Starch. Starch, you know. On hydrolysis, इसका hydrolysis पहले करते हैं तो एक लिए partial अगर hydrolysis करें कौन सा partial तो पहले मिलता है आपको बेटा maltose क्या मिलता है maltose ये आपका polysaccharide ये क्या आपका माल्टोस का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है अच्छा उसमें भी ग्लूकोज में भी कौन सा अल्फा एनोल मतलब एक पॉलीमर है बट वो किसका है अल्फा अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज भाई अगर हम सेलुलोज ले तो सेलुलोज जो होता है वो सेलोबायोस देता है और सेलोबायोस क्या देता है बीटा मोनोसेक्राइड तो माल्टोज अगर आपको स्ट्रक्चर करना है तो पहले याद रखना है कि माल्टोज में जो दो यूनिट होते हैं जो अटैच होते हैं क्योंकि दोनों से ग्लूकोज ही होते हैं तो दोनों ग्लूकोज के कौन से दोनों अल्फा वाले बीटा वाला नहीं दोनों अल्फा वाले क्लियर चीज तो पहले लिख लीजिए माल्टोस क्या है माल्टोस डाइसेक्राइड इसे लिखने की जरूरत है माल्टोस लिखना है इट इज डायसेक्राइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स two units of glucose okay next line say jo flow chart banaya hua hai to kitne book pe diye extra mein hai bolya to only hint hai aapko yaad rakhne ke liye jisme alpha kyun likhte hain
In maltose, C1 of 1 unit of alpha. वो सब कैसे लिखना मालूम है ना? अल्फा लिखोगे विडेस अल्फा डी कैपिटल डी प्लस गैस ब्रैकेट में प्लस है ना ग्लूकोपायरानोज हो गया लिंक टू इस लिंक लिंक इस लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली लिंक टू C1 of another unit of alpha D plus glucopyranose by glycosidic bond glycosidic bond अच्छा आपने दोनों जगह C1 लिख दिया है ना C4 सेकंड 1 का 4 तो बन जाएगा ना इसमें किसमें एक का C1 कर दो सेकंड का C4 क्योंकि दोनों तो अल्फा ही है ना तो देखिए स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं इसका अब आपको दोनों अप डाउन करने की जरूरत है लेफ्ट पैर ड्रा करना है तो पहले हम ड्रा करते हैं किसका ग्लूकोपायरानोज वो भी कौन सा अल्फा ये स्ट्रक्चर हो गया सेकंड वाले के लिए यहां पे कर सकते हैं ओके ये आपका पोजीशन हो गया अच्छा देखिए जैसे मैं एक बार OH दिखा दे रहा हूँ फिर वाटर निकाल के फिर रब कर दे रहा हूँ आप पेपर पे कर नहीं पाओगे इससे पहले से प्रैक्टिस रखो ये आपका पोजीशन क्या है 1 है 2 3 4 5 6 ये आपका 1 2 3 4 5 6 आपको मालूम है C1 का एक C1 को का और एक का C4 दोनों आगे सामने आ गए तो आपका OH जो OH दिखाओ इसमें तो OH वाला बॉन्ड तो C1 पे अल्फा वाला है तो यह ऊपर रहेगा OH नीचे तो नीचे वाला लाइन बना ही दे रहा हूं डन हां ये हो गया H ऐसे देखो C4 पे यहां पे क्या हो गया H OH OH H इसका भी OH है क्योंकि आप ड्रॉ कर लोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में बोर्ड में पेपर में पेंसिल से तो ड्रॉ करते नहीं पेंसिल ड्रॉ करते हैं क्लियर तो ये हो गया बेटा आपका HOCH2OH तो पहले से प्रैक्टिस रखो तो अब नीचे भी OH दोनों का है तो यहाँ से दोनों से वाटर निकलेंगे और यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हो गया तो ये जो है आपका बेटा इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बट ये क्या बेटा 1 2 4 है ना वहां पे 1 2 होता था एक क्या है 1 4 अल्फा बीटा नहीं बस ओनली अल्फा दोनों अल्फा ही ले रहे हैं ना 1 4 अल्फा ग्लाइको साइडिक बॉन्ड
ये जो बॉन्ड है 1-2-4 है ना, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर मॉलिक्यूल। मैं खुद से ट्राई करो, अभी देखिए हमने कैसे ड्रा किया। आप खुद से ड्रा करो, पहले दोनों का स्ट्रक्चर डालो, ए एच ओ एच लिखने का प्रैक्टिस करो, फिर यहाँ पे नीचे बॉन्ड मत बनाओ 1 और 4 पे। थोड़ा खुद से ट्राई करो, एक बार आप देख लो अच्छे से, फिर खुद से ट्राई करो ड्रॉ करने का स्ट्रक्चर। जो लिखा है ना C1 to C4 वो स्ट्रक्चर से स्टार्ट करो, उसको लिखिए नहीं कि इसको पहले डाल दे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। आएगा ना सब पूरा, यहाँ लिखो ना अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, इधर भी लिख सकते हो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। आपने स्टार्टिंग में लाइन लिख दिया ना सरफेस फिल्टर, आप लिखते हो ना इन माल्टोज C1 ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज है ना, लिंक टू C4 ऑफ अनदर यूनिट ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज बाय विच बॉन्ड ग्लाइकोसाइड। दो लाइन लिखा है आपने सफिशिएंट लाइन। अच्छा यहाँ पे सुक्रोज में जब हाइड्रोलिसिस करते हो ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता था, वहां पर हम क्या लेते हैं इन्वर्टेस, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं कैटलिस्ट डाइल्यूटेस के लेते हैं, या इसके तौर पे माल्टेज। एंजाइम का नाम क्या बेटा? अब एक क्या बेटा देखो यहाँ पे बोथ एक का एल्डिहाइड ग्रुप देखो यहाँ पे फ्री हो जाएगा C1 पोजिशन है ना,
तो फ्री होगा तो रिड्यूसिंग में यूज हो सकता है. तो दैट्स व्हाई इट इज द वर्ड एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग सुपर. तो देखो आपके बुक में पेज नंबर 305 मिला. इधर देखो स्ट्रक्चर के ऊपर लिखा है द हेमिएसिटल ग्रुप एट C1 ऑफ द सेकेंडरी इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज व्हेन माल्टोज इज उसके नीचे लिख रहा है कि माल्टोज हाइड्रोलिसिस होकर क्या देता है बेटा ग्लूकोज ओनली ग्लूकोज देता है ना इन प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल एसिड और एंजाइम कौन सा होता है माल्टेज ये याद होना चाहिए अच्छी चीज है पूछ देता है कि कौन सा एंजाइम यूज करते हैं माल्टेज या इन्वर्टेज याद रखना चाहिए ठीक है. तो दो तीन लाइन और बुक से वो कॉपी कर एक तो कंडीशन एंजाइम का नाम और दूसरा व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग सुगर. इसे रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया कि माल्टेज माल्टोज इज द रिड्यूसिंग सुगर एक्सप्लेन. आपको पूरा स्ट्रक्चर ड्रा करने की जरूरत नहीं है आप बता सकते हो दो लाइन के स्टेटमेंट से कि सेकंड स्ट्रक्चर सेकंड रिंग है इसमें उसमें जो एक ग्रुप है C1 का जो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री हो रहा है टू रिड्यूस That's why it is called as a reducing sugar. So copy कर लो book का जो लिखा है. Structure पूछेगा तो only structure draw करना है one mark का. बाकी ये सब क्या है? MCQs हो गया, region based question हो गया, ये सब आपको आना चाहिए. जैसे पूछे थे hydrolysis of sugar is called as inversion sugar. Explain, है ना? MACL किसको बोलते हैं जो ईथर लिंकेज है ये ईथर अल्कोक्सी ग्रुप जो है उसको क्या बोलते हैं MACL है ना दो आता है तो उसको बोलते हैं एसिटर ठीक. चलो अब थर्ड नंबर लैक्टोज एक बार देखना तो क्वेश्चन कहां से रिलेटेड है. डाइसेग्राइड का आई थिंक तीन स्ट्रक्चर है ना. पॉलीसेक्राइड आई थिंक डिलीटेड है बट सिखाना है पूरा ना. पर आपको तो मार्क करके रखो बोर्ड के लिए है कि नहीं है सिखाने के लिए पूरा ही. चलो आगे चलो चलिए थर्ड लैक्टोज. ठीक है लैक्टोज
इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा राइट. लैक्टोज इज अ डाइसेक्राइड. लैक्टोज इज अ डाइसेक्राइड प्रेजेंट इन मिल्क. प्रेजेंट इन मिल्क. नेक्स्ट है सिग्नल लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस. लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ वन यूनिट ऑफ गैलेक्टोज. वन यूनिट ऑफ गैलेक्टोज एंड another unit of glucose. Next line is the structure. Structure of lactose. Sorry, this is statement is easy. कौन सा बॉन्ड किसके साथ अटैच होता है. इन लैक्टोज सी वन ऑफ वन यूनिट ऑफ बीटा डी कितने होगा ना पूरा बीटा डी प्लस गैलेक्टोपायरानोस लिंक टू सी फोर ऑफ अनदर यूनिट of beta d plus glucopyranose. एक का गैलेक्टो हो गया दूसरों का glucopyranose by glycosidic bond. इसमें दोनों काम क्या लेते हैं बेटा बीटा. इसका स्ट्रक्चर पहले एक यूनिट किसका बना हुआ गैलेक्टो का ये बीटा है ना बीटा मतलब वही चीज कर रहा है एच नंबरिंग कर लो वन पोजीशन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. सेकंड तो एच से स्टार्ट होता है ग्रुप को कनेक्ट कोई दोनों में एच ओ एच ओ एच एच ग्लूकोज जाता है किधर हो जाता है एच ओ एच बट गैलेक्टोज में फोर्थ पोजीशन डिफरेंट होता है तो ये एच ही रहेगा ओ एच एच सी एच टू ओ एच एच. ठीक दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा इसका बीटा ना ओ एच इसमें भी बीटा ड्रॉ करना है. ये हो गया ओ एच नीचे
1 2 3 4 5 6 क्या तो बीटा में तो ओ एच ऊपर रहता है ना चेक करो हो गया इधर एच ओ एच ओ एच एच इधर भी तो वही होगा इधर भी क्या होगा ओ एच ऊपर आना चाहिए आई रहा है ना इधर देखो यहाँ पे भी ओ एच ऊपर इधर भी एच नीचे है बराबर समझो पहले स्ट्रक्चर को ग्लूकोज है ओ एच है तो यहाँ पे आएगा ओ एच किधर आएगा इधर नीचे आएगा और इधर एच लाइन कर देते हैं डन अब देखो ओ एच एक का ऊपर इधर नीचे इस टाइप के लीकेज को बोलते हैं बेटा अल्फा नहीं अल्फा क्या था जब एक ही साइड में था अभी ये बीटा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखो आपको स्ट्रक्चर में वो कैसे दिखा रहा है बराबर ना यहाँ पे भी नीचे किया है इधर इधर भी लाइन ड्रॉ किया है फिर बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा दिया बराबर पहले क्या होता था स्ट्रक्चर को लास्ट ईयर का टेक्स्ट बुक देखोगे तो इस स्ट्रक्चर को ही पूरा उसने क्या किया है रोटेट कर दिया पूरे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके दिखा दो और लास्ट ईयर की बुक में जो था तो हमें लगता है कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लगा बोर्ड वालों को चेंज कर दिया हमने मतलब पूरा स्ट्रक्चर को ही रोटेट कर दिया जो पोजीशन ऊपर था वो नीचे हो गया जो नीचे था वो ऊपर हो गया तो यहाँ पे क्या था बेटा आपका एच ओ एच था इधर भी एच ओ एच ओ एच एच आपका नंबर ही कर ले नंबरिंग में ये आपका वन पोजीशन और टू पोजीशन ही हो गया ए वन ए टू ए थ्री ए फोर आ गए और ए फाइव और यहाँ पे सिक्स तो वन पोजीशन पे वहां पे कहता है एच नीचे का ओ एच ऊपर का और इधर क्या जाएगा एच ओ एच हो गया फिर यहाँ सेकंड वाले पे क्या था बेटा एच ओ एच था और फिर था अगर आपको एक साइड पे दिखाना है अदरवाइज ये स्ट्रक्चर तो या तो आप रोटेट कर दो रोटेट करोगे तो क्या होगा बॉन्ड का पोजीशन जो होगा बेटा जो अप था वो डाउन हो जाएगा जो डाउन था वो अप हो जाएगा पहले की उसमें एक था मे भी मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ रेफरेंस बुक देखो कोई साइड इसमें उसमें लैक्टोज का स्ट्रक्चर ही दिखे तो बोथ आर द करेक्ट क्लियर सब क्या क्या इधर हो गया एच सी एच टू तो बीटा लिंकेज क्यों बोला गया समझे यहाँ पे यहाँ नीचे लिख सकते हो बीटा लिंकेज 1 2 4 बीटा लिंकेज 1 4 बीटा वो क्या था 1 4 अल्फा
Thank you.
इसको भी लिख लिया सुपर इसका भी रीजन देखो दिया है ना क्या लिखा है एमीएसिटल ग्रुप एट C1 ऑफ द ग्लूकोज यूनिट इज नॉट इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ना हेंस लैक्टोज इज व्हाट रिड्यूसिंग टू लैपटॉप से नहीं किया कुछ भी बस नाम याद रखो है ना डायरेक्टली आपको बुक में देखो दिया था पॉलीसेक्राइड्स पर ट्राइसेक्राइड टेट्रासेक्राइड की एग्जांपल का नाम याद रखना ट्राइसेक्राइड का एग्जांपल था रैफिनोज ऑन एनालिसिस ये टी यूनिट एक के साथ ग्लूकोज एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज के बाद था टेट्रासेक्राइड ये स्टैच्यूज आई नो दे टाइप ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड दो यूनिट का बराबर तो चलिए देखते हैं पॉलीसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड क्या बेटा जो हाइड्रोलिसिस होती है क्या दे लार्ज नंबर द कार्बोहाइड्रेट which on hydrolysis to form large unit of monosaccharides known as polysaccharides. Then, example.
स्टार्च कॉमा सेलुलोज कॉमा ग्लाइकोजेन ठीक ग्लाइकोजेन GLYCOGEN अब हमें इसमें इनका स्ट्रक्चर जिसमें आपके बुक में ओनली स्टार्च का स्ट्रक्चर दिया है करना है इसको टेक्स्ट बुक में थोड़ा रीड कर लो पॉइंट्स जो लिखना नहीं है बस एक बार वहां पे हाईलाइट कर लो क्या दिया देखो पेज नंबर 306 इला राइट साइड में यूज योर ब्रेन पावर के नीचे स्टार्च के एग्जांपल बने दिया है फिर क्या लिखा है स्टार्च इज स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स एंड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द ह्यूमन एंड देयर अदर cellulose is a main constituent of the cell wall of plant and bacteria it is also main constituent of food and water other normally a plant as polymer फिर क्या बोल रहा है glycogen constituent storage carbohydrate of animals and is present in liver muscles and brain It is also found in fish and yeah. तो इसको आप नोट करके रखो तो ये एनिमल पॉलीमर हो गया नॉर्मली आपका ग्लाइकोजन सेलुलोज क्या हो गया बेटा आपका प्लांट पॉलीमर क्लियर तो याद रखेगा इमेज होती है ना वहां पे मार्क कर दो रीड करना उसका एक्सक्यूज में कुछ भी आ सकता है तो चलिए हेडिंग करिए फर्स्ट स्टार्च ये पॉलीसेकेराइड में आप स्टार्च देखेंगे जिसके स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज मैंने अल्फा क्यों लिखा है क्योंकि आपको मालूम है पीछे में लिखवाया था अल्फा डी ग्लूकोपाइरामेज होता है बराबर ना तो स्टार्च पॉलीमर है ग्लूकोज का पर ग्लूकोज में भी किसका अल्फा क्लियर तो राइट आगे लिखो स्टार्च हैज टू कंपोनेंट्स फर्स्ट लिखे अमाइलोज AMYLOSE डन ठीक है अमाइलोज में लिखिए अच्छा नंबर कर दिए लिख लो पहले फर्स्ट अमाइलोज सेकंड लिखो अमाइलोपेप्टीन AMYLOPECTIN अमाइलोपेप्टीन तो चलिए अब इसमें फर्स्ट लिखे अमाइलोज Amylose. It is the water soluble component of. It is water soluble component of starch. Here. Which is the 15 to 20% component of starch? कितना परसेंट होता है बेटा ये? 15 to 20. ज़्यादातर होता है माइलोपेप्टिन. इसके लिए वो insoluble होता है. ये water soluble वाला part होता है. आगे लिखो. आगे लिखो. It contain starch. आगे लिखो it contain 202,000 alpha glucose units. Then दोनों का नंबर लगा दो एक मिनट मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट बुक देख के दे दो
कह लेते हमने 200 टू 1000 अल्फा ग्लूकोज यूनिट लिंक बाय अल्फा डैश 1.4 डैश ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज गिविंग राइज टू अनब्रांच्ड चेन ऑफ वेरिएबल लेंथ In amylose, C1 of 1 unit, C1 of 1 unit of glucopyranose is linked with C4 of another unit of alpha glucopyranose by glycosidic bond. Packet mein similar to maltose. Done beta? Aage continue. Similar to maltose. Aage likh lena. It is unbranched polymer. देखिए क्या बोल रहा है ऐसे आप 200 से लेके 1000 यूनिट है ना. देखो ध्यान से समझो इसके स्ट्रक्चर जैसे माल्टोज का बना है वो सिमिलर स्ट्रक्चर एक ही है. डिफरेंट यहाँ पे है माल्टोज में 2 यूनिट था और इसमें 200 टू 1000. तो आपको 200 या 1000 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जब पॉलीमर बनाते हो ना क्लियर तो पहले इसका एटलीस्ट 3 यूनिट तक बनाओगे. तो 3 यूनिट ड्रॉ करो पहले. चलो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं पहले. दिस इज 1, 2, 3, 4 5, 6. अल्फा है तो अल्फा पे 1 पे H इधर OH होता है. H यहाँ से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा. हाँ H OH फिर इधर CH2OH H
CH2OH अभी इधर देखो, अभी इसका जो H OH आएगा वो दूसरे यूनिट के साथ अटैच होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन डाल के इसका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड निकाल दो, दे विल अटैच विद अनदर मॉलिक्यूल, इधर से दे विल अटैच विद अनदर मॉलिक्यूल, समझा? देखो आपके बुक में अमाइलोज का स्ट्रक्चर पेज नंबर 306 ऊपर वाला कितना रिंग बनाया, 1 2 3 4 आप बड़ा पे एक और बनाना, 5 बना लो, 6 बना लो, 2 में बनाना, 3 मिनिमम बना के इस ऑक्सीजन को दिखा दो, दे विल अटैच विद अनदर मॉलिक्यूल, यहां पे भी दे विल अटैच, समझा? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलो, कॉपी करो, माइटो जैसा ही है ना, Thank you.
हो गया सेकंड वाले नंबर अमाइलोपेक्टिन अमाइलोपेक्टिन इज वॉटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च. वो क्या था? सॉल्युबल. Amylopectin is water insoluble component of starch which forms insoluble component of starch which forms blue violet color. Blue violet color complex with iodine. अच्छा उसमें नहीं लिखा है तने, उसमें blue बनाता है. बुक में मार्क कर लिया तो कर देना. देखो दिया है ना उसमें, it forms blue color complex with iodine. Amylose क्या बनाता है बेटा? Blue color का complex किसके साथ? Iodine के साथ. और ये क्या बनाता है? Amylopectin is 80 to 85% component of starch. 80 to 85. लास्ट ईयर का जो बुक था उसमें एक सीधा रेंज था 20% या 80%. इधर रेंज बढ़ा दे 50 to 20 कर दिया और 80 to 85. तो 50 होगा तो 85. तो ज्यादा पार्ट जो होता है किसका होता है बेटा? और इसके लिए पॉलीमर होता है, अन ब्रांच होता है. अन ब्रांच का माइलोज ये क्या होता है? ब्रांच. इट इज branched polymer. Branched polymer. Done. आगे लिखिए. In amylopectin, C1 of one unit of alpha D glucopyranose is linked to C4 of another unit, C1 of one unit of glucopyranose, है ना? Link to C4 of another unit of glucopyranose by glycosidic bond. In its state chain क्योंकि unbranch है, branch है तो आगे लिखना. And branches are formed by
एंड ब्रांचेस आर फॉर्म्ड बाय अल्फा अल्फा डैश फिर 1.6 डैश ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. मतलब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो स्टेट चेन होता है C1 टू C4 होता है और दूसरा ब्रांच जो होता है वो C1 टू C6 वो भी अल्फा अभी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने दे. देखो ए आपका मैंने स्टेट चेन वाला ऑलरेडी बन गया क्लियर. अब इसी में आपको ब्रांच में बता रहा हूँ तो क्या बोल रहा है C1 और C6 पोजीशन. ये भी स्टेट चेन है आपका. स्टेट चेन में क्या बोल रहा है बेटा C1 टू C4 के बीच में कौन सा बॉन्ड है अल्फा अल्फा 1,4 ग्लाइको साइडिक बॉन्ड या लिंकेज स्टेट चेन में. तो भी ब्रांच बनाओगे तो यहाँ मेरे को नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4, 5, 6. इधर इसका एच होता है और यहाँ पे क्या होता है बेटा एच होता है. अभी ड्रॉ मत करना. एच एच होता है इधर भी एच ओ एच ओ एच एच ओ एच फिर यहाँ पे भी इसका एच ओ एच दोनों का वेज वाटरिंग कर गया. वापस देखो स्टेट चेन बनना है तो C1 टू C4 है फिर यहाँ भी एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच सी एच टू ओ एच एच इधर एच इधर भी एच ऊपर साइड फाइव सिक्स CH2OH. अब देखो क्या बोल रहे हैं ब्रांच किसके बीच में बनता है बेटा C1 टू C6. तो देखो C1 का OH और ये C6 का OH तो पहले यहाँ से वाटर निकल जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा O और फिर इधर क्या है CH2. देखो मैं ड्रॉ कर स्ट्रक्चर नीचे वाला स्ट्रक्चर देखो बॉक्स में जो है समझा. इधर देखो अबे यहाँ पे कंटिन्यू अनदर मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करेगा इधर एक पॉलीमर बन गया इधर ही जाएगा कंटिन्यू. तो ब्रांच जो स्टेट चेन है वो C1 टू C4 के बीच में है बट जो ब्रांच है वो अल्फा 1,6 तो इट इज ब्रांच लिखे होगी लाइन इट इज ब्रांच फॉर्मर. दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया. ब्रांच ऑलवेज इनसॉल्युबल होता है ना. इनसॉल्युबल होने के कारण डाइजेस्टिबल जो नहीं होता है स्टार्च वो इसके कारण है प्रेजेंस ऑफ ऑल अमाइलो पेक्टिन. ये वाटर इनसॉल्युबल और वो क्या होता है वाटर वो 20% ये क्या होता है तो आप पहले क्या करो इसके यही स्ट्रक्चर बना दो थी रॉन्ग नहीं होगा. पहले थीम बना लो नीचे ऊपर स्ट्रेच करो फिर एग्जैक्ट जहाँ पे सिक्स वाला पोजीशन है ना CH2 वाला उस पे स्पीड आप दूसरा रिंग बनाओ फिर यहाँ से कंटिन्यू करो. ये लाइन सीधी बन दीजिए लाइन ऊपर लगाना
स्ट्रक्चर पहले दिखता था बड़ा बड़ा है बट कंसेप्ट एक ही वही है, ट्विस्टिंग इजी हो जाता है दोनों का ऑएच ऑर्डर करके ओके साथ अटैच करना। किसके लिए छह स्ट्रक्चर मैंने दिया वो याद रहना चाहिए। हवा फॉर्मूला था ग्लूकोपाइरानोस प्रोटोप्यूरानोस और एक गैलेक्टोपाइरानोस। तो ऊपर ही बोल सकते हैं ताकि ये बता यहाँ पे कौन है लास्ट वाला कैच बना छोटा से को हाँ इसे ना और इसको इसको मैंने देखते हुए भी बोलते ठीक है ये बंद से लिंक कर मैंने ठीक है ये सीन स्ट्रक्चर छोटे से यहाँ थोड़ा इसको राइट पूछोगे तो अपने लेफ्ट में स्पेस मिलेगा इसके लिए। कार्बोहाइड्रेट का 2 मार्क प्रोटीन के बाद के का
विटामिन्स आ गया, दोस्तों लिपिड्स आ गया, एंजाइम्स आ गया, तो ज्यादा जो पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट, जिसमें एक या दो मार्क का ग्लूकोज का रिएक्शन या प्रिपरेशन फिक्स करता है ना, बाकी कुछ भी आ गया। स्ट्रक्चर में आया हुआ है और भी बहुत सिंपल क्वेश्चन देना चाहता है। पहले तीन ही पॉलीमर होते थे, एक नायलॉन 6, एक नायलॉन 6 और एक टेरिनिन, वो तीन में से तीन मार्क का क्वेश्चन कंफर्म था, तो दो कोई भी आ जाता था, मतलब जो आ गया जो टेरिनिन आ गया इस साल, तो नेक्स्ट टेरिनिन ही आएगा, बाकी दो आए कितना फिक्स होता था, और एक हाइड्रोजन डेरिवेटिव SN1 SN2, ये चार मार्क का तीन मार्क का क्वेश्चन कंफर्म होता था। अगर इस बार SN1 आया तो नेक्स्ट ईयर पक्का SN2, लोग पढ़ते ही नहीं थे SN1, क्या हाइड्रोजन ही नहीं आएगा। और टीचर भी तब बता के तब खुश हो जाता था, बता रहा ना 100% आएगा, बच्चा को तो तब मालूम पड़ता था ना, जब वो पेपर उठाता था 10 साल का, अरे ऐसे ही बता रहे थे, एक बार टीचर भी अपना बता लेते थे, क्रैश कोर्स करवा लेते थे 15-20 हजार में, वही 4 क्वेश्चन बता के फिर उसी 10 क्वेश्चन पर रखवा देते थे, आओ 10 हजार 15 हजार में आओ लूट लो, तो कहते बच्चा भी खुश, वो भी पब्लिश करता था आगे, जो बताया ना वही आया, तो आगे का भी उसका ट्यूशन रेडी हो जाता था, ये सब चलता था। अब थोड़ा फेल हो गया, अब कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, कब क्या किस फॉर्मेट में आएगा, अभी भी जब वो पॉलीमर का पेपर बनता है ना, अभी भी 2 साल देख रहा हूँ टेरिनिन या नायलॉन 6 के क्वेश्चन काटते हैं, क्योंकि अगर अभी भी पेपर बनाने वाले तो बूढ़े लोग नहीं है ना, जो एकदम सीरियल है, उनको आगे का टॉपिक अपडेट ही नहीं है। अभी जैसे क्लासेस का लेक्चर चलता है, क्लासेस में ज्यादातर आपको टीचर नए एक्सपीरियंस 45-50 पहुंचे तो उसके बाद हिम्मत नहीं करती कि 2.5 घंटा पढ़ा पाए, है ना, आप इसीलिए रीजन है कि आप क्लासेस में हमेशा नहीं होंगे, क्योंकि आपको 50 के फॉलोअर नहीं मिलेंगे, गए उनकी लगती है अंदर अपने भी वही हाल होगी, 2-4 साल आओ खींच ले, अभी से इसे लगता है सेचुरेट हो गया, अभी तो मैंने इसे किया ना, बाकी कितना करता था काम, मैं सुबह से 7 बजे से स्टार्ट करता था काम, तो चलता था बस, अगर 9 बजे क्लासेस होते थे तो उसके बाद भी ट्यूशन मिलता था, वो भी पढ़ा जाता, 9 से 10:30 11 बजे तक हमने ट्यूशन पढ़ाया, उसके बाद आते थे, सब नहीं करते छोड़ दिया, धीरे 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 जो पेपर बनाने वाले जो सीनियर एग्जाम आए मॉडरेटर चीफ मॉडरेटर क्लास बाहर और कॉलेज में बच जाते नहीं तो पढ़ाएंगे, उनको तो कंटेंट का भी नहीं पता, याद नहीं रहता क्या अपडेट हुआ क्या नहीं आया, अभी भी दे दो रिलीज पे तो हाउ कैन यू प्रिपेयर टेरिटरी 2 मार्क्स पता नहीं कि अभी बहुत सारे टॉपिक आ चुके हैं। आप देखो कॉलेज में भी जो कॉलेज में जो सिंपल टीचर है जो क्लास नहीं जाती है, तो अभी ऑनलाइन से ऐसा हो गया कि सारे टीचर्स मालूम पड़ा उनको जितने चैप्टर्स थे प्रैक्टिकल जानते थे, प्रैक्टिकल में बच्चे जाते हैं, अरे अभी जैसे मेरा ही कॉलेज है, ऑनलाइन में मुझे दिख रहा है कि 50-60 बच्चे हैं,
इससे भी रिस्पांस देने वाले दो ही रहते हैं, थोड़ी नाम लेके बुलाओ तो गायब भी है शायद मोबाइल अंदर दूसरे वाले रूम में और अपने जहाज में घूम रहे हैं। तो हाँ जो भी है अभी भी रिस्पांस दो ही लोग का रहता है। हम भी एक कॉलेज दस बारह रजिस्टर लेके जाते थे, मतलब दस डिवीजन है तो दसों डिवीजन का रजिस्टर एक साथ ऊपर जाते हैं। अब दस डिवीजन बारह डिवीजन में बच्चे जितने करीब 1500 बच्चे आते थे, जितने 2 या 3 बहुत आ गए 5 आ गए तो भी एक रजिस्टर में मिल रहा है उसको दूसरे रजिस्टर में मिल रहा है, मतलब आपसे भरना पड़ता था। कोई कोई टीचर तो ऐसे भी रहता था वो जा रहा है और थोड़ा लेट जाता था, जैसे लेक्चर 11:30 से 12:30 एक टीचर का है, 12:35 घूम जाता था देखने चला गया गए उनको बोले क्या वो कोई बच्चा नहीं है क्या? हाँ बच्चे हैं एक भी दिखते नहीं। अरे सर खेत तो अभी भाग गए क्या करोगे दौड़ाओगे जाने तो प्लीज नो और स्टूडेंट हो गया इसी बात को आ गया टाइम पास। ये तो पॉलिसी है हर एक कॉलेज की, आप नहीं बैठना चाहते तो कोई आपको जबरदस्ती मुझे बताओ स्कूल जैसा किसको कॉल आता है फोन करके क्या बात ही नहीं हो कॉलेज क्या है ऑनलाइन में आपसे तो क्या करना एक नोटिस जनरल जाती है जो कि कॉलेज को भेजना पड़ता है कि भाई 75% अटेंडेंस कंपलसरी हो जाएगा ना क्योंकि उसको फाइल में डालना है। जाओ मैं जाओ क्या हालत है बच्चों के लिए आप नहीं करना चाहते उनको भी जरूरत मुझे नहीं भाई बुरा मानो यहाँ टीचर भी तो अच्छी खासी दोस्ती कर रहे हैं बस दोस्त बने रहो बोलते रहो क्लास वाले को मैं बहुत अच्छा हूँ मेरे भी पानी गोली चोरी चलती है आप भी चलते रहो क्या जरूरत तुम पढ़ो ना पढ़ो कोई नहीं डांटने वाला क्लास हालत इसकी है बच्चे जी बच्चे कह रहे हैं हमको फैसिलिटी स्कूल में भी मिल रहा है कॉलेज में फैसिलिटीज नहीं देंगे तो आप कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लोगे दूसरे कॉलेज में जाके लोगे कॉलेज वाले भी फ्री रखते हैं जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं है आओ मैं आओ एक मुझे बस दिखता है वो मीरा रोड में कौन सा कॉलेज है वो मुझे बस दिखता है कि वो गेट बंद करके रखता है अगर भाई और किसी कॉलेज में पैसा नहीं मिलेगा। आईसी जो 2 डिवीजन भी रुका हुआ है बाकी लोग 12-12 डिवीजन करके रखते हैं जैसे मेरे यहाँ तो 12-12 डिवीजन है एडमिशन की ओर रहती है पूरा फुल एडमिशन हर साल रिकॉर्ड होता है जो की फीस भी ज्यादा है अगर ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खासा दे दिया है नीचे आए करो जितना ऊपर लाइब्रेरी बढ़ा दे दिया है जाओ तो वहाँ पढ़ना पढ़ो विलेज है बहुत सारे इधर कॉफी सेंटर है जो जैसे स्टैंडर्ड तक वाले हैं ज्यादा पैसा वाले ज्यादा जगह माल भी सब कुछ है 3-4, 2-3 विलेज में पार्क भी बढ़िया बढ़िया है तो ये हालत भी है कि वो पार्क के साइड साइड में जो बिल्डिंग है वो बेचारे अपने बालकनी में बैठ नहीं पाते उनकी याद पेरेंट्स बैठा बालकनी में तो बच्चा तो देख रहा पापा क्या और बच्चा भी नहीं बैठ पाएगा क्योंकि बालकनी के बाद सीनरी अलग होती बच्चों की हालत होती है कि वो एनिमल डॉग और लोग उनसे भी बेहतर होते हैं ये हालत होती है। और फीस कितना पार्क का रहता है 5 रुपया पर फीस किसको मांगा है 5 रुपया दिया घुस गया हमने कुछ अच्छे प्लेस भी है कुछ झाड़ी भी बना के दे दिया जगह बेटा यूज करो जगह
थोड़ा हालत कौन नहीं जाना चाहेगा मुझे बताओ, पेरेंट्स आते हैं मीटिंग में पार्शियल हाइड्रोलाइसिस।
In cellulose, C1 of 1 unit of 1 unit of beta D plus glucopyranose linked with C4 of another unit of beta D glucopyranose, beta D plus glucopyranose, by glycosidic bond. Clear na? By glycosidic bond. देखिए इसका स्ट्रक्चर है ना, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, देख लो बस. पेज नंबर 307 मिला. ऊपर के तीन स्ट्रक्चर दिया क्योंकि पॉलीमर है. पहले दो स्ट्रक्चर पे फोकस करो, कोई भी दो स्ट्रक्चर पे. पहला वाला स्ट्रक्चर C1 पोजीशन पे बीटा है ना, तो क्या होगा, OH ऊपर होगा. अब दूसरे स्ट्रक्चर में देखो, फोर्थ पोजीशन पे OH नीचे आएगा. तो एक में OH का डायरेक्शन अपवर्ड और एक में डाउनवर्ड, तो क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग होगा, जिसको बोलते हैं बीटा लिंकिंग. क्लियर? अल्फा लिंकिंग नहीं, बीटा लिंकिंग आया. ऐसे थर्ड वाला भी उसके साथ अटैच होगा. और लास्ट वाले में O को क्या दिखा दोगे, दे विल अटैच विद अनदर डाउन. ड्रॉ कर लोगे. तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सेलुलोज का. सेलुलोज में थोड़ा थियरी उसके ऊपर रीड कर लो या मार्क कर लो. क्या दिया देखो, वो ड्रॉ करना बाद में, घर पे कर लेना, अभी टाइम आपका हो गया. ये मैं ड्रॉ करूंगा तो उसमें ज्यादा ले लूंगा. तो देखो आगे, देखो बुक में दिया, इसको रीड कर लो बस. क्या बोल रहा है, सेलुलोज इज स्टेट चेन पॉलीसेकेराइड, ब्रांच नहीं है, स्टेट चेन होता है. आगे क्या बोल रहा है बेटा, फिर वही चीज बोल रहा है, बीटा लिंकेज होता है इसमें. केमिकल हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज रिक्वायर्ड यूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड. अभी तक हम डाइल्यूट लेते थे, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. This implies that beta 1,4 glycosidic bond is very strong and difficult to hydrolyze. वहाँ पे dilute से ही हो जाता है, बड़े concentrated इसको चाहिए. तो human do not have enzyme which can hydrolyze. मतलब इसको cellulose को digest नहीं कर सकते. This linkage, hence cellulose cannot be digested by human being. It serves as a fibrous content of food used for all the bowel movement. So the word our formula glycosine kya hai glycosine has its structure similar to amylopectin, jo branch wala banaya tha. Clear? But it more highly branched. ये हो जाएगा. फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन. तो नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रोटीन स्टार्ट करेंगे. ये पार्ट आप कंप्लीट कर लेना. चलिए बात.